नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। प्रभु मुझ पर कृपा रखना और मेरे काम में उन्नति देना। हाँ माँ, माँ मैं जाप कर रहा हूँ। माँ मैं बस अब चढ़ाने ही जा रहा था। ठीक, पर मेरे दाएं हाथ में तो फोन है। ओह एक मिनट, हाँ माँ 40 सेकंड बाकी हैं। चढ़ा दिया, लो। ओके माँ। बेटा जैसा कहा वैसी पूजा करना, तभी तो तेरी शादी होगी और मुझे अच्छी बहू मिलेगी। नहीं यार, हम लोग यार लॉबी में बैठ के जेडी का इंतजार कर रहे हैं, बस वो आते होगा 2 मिनट में। अरे नहीं यार, यहाँ बहुत टेंशन है यार मून। यार तुम्हारे साथ होता तो हूँ यार मैं, अब दोस्ती भी तो कोई चीज़ है कि नहीं है। अच्छा सुनो, जेडी आगे मैं तुमसे बाद में आके बात करता हूँ। यार कहीं मुझे आने में देर तो नहीं होगी? नहीं नहीं वो, बट एनी टाइम दे कैन कॉल यू। तुम सब लोग चलोगे ना मेरे साथ अंदर? यार थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। तू ज़्यादा टेंशन ना ले, जो होगा अच्छा ही होगा। यार लेकिन लाइफ और डेथ का सवाल है। हाँ यार तेरी बात भी सही है, मैं तो वैसे ही तैयार होकर आया हूँ। आप में से ज्योतिरादित्य दुबे कौन है? वे ये तो पूरा ब्रह्मांड बना के रखा है। अच्छा है, सब अच्छा है, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी अच्छी है। सवाल शादी का है ना? हाँ लेकिन आप कैसे जानते हैं? फॉर्म पे दिख रहा है, तुम्हें लिखा है ना? जी वो मैं 8 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था। 8वें स्थान का नीच का राहु केंद्र में बैठे केतु को घूर के देख रहा है, वो भी वक्री होकर। तो मुझे क्या करना होगा? तुम कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, जो कुछ करेंगे ग्रह करेंगे। ग्रह? ये 8वें स्थान का राहु 5वें स्थान के शनि को देख रहा है और शनि की दृष्टि मंगल पर है, सेम टाइम पर तुम पर भी है, इसीलिए तुम्हारी शादी में थोड़ी मुश्किल है। थोड़ी मुश्किल है? ये जो थोड़ा सा थोड़ी है ना बेटा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। तो मुझे क्या करना होगा? शादी। लेकिन आपने तो कहा कि शादी में मुश्किल है। शादी में मुश्किल है? पहली शादी 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, पर दूसरी सक्सेसफुल है। पर ग्रहों के इस दोष से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं, इसलिए डिवोर्स निश्चित है। पर मैं तो परफेक्ट लड़की ढूंढकर
कुंडली मिलाकर शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हारे तैयार होने से क्या होता है, ग्रह तैयार होने चाहिए। अगर मैं शादी ही ना करूं तब तो कोई समस्या नहीं होगी ना? नहीं, समस्या वहीं से शुरू होगी। बृहस्पति दृष्टिगोचर कर रहा है, 15 महीने में अगर तुमने दूसरा विवाह नहीं किया तो तुम्हारी मां की जान को खतरा है। और ग्रहों की दशा के हिसाब से तो अब तुम लड़कियों से घिरे रहोगे। दुबे जी, तैयार हो जाइए, रोमांचक समय आ रहा है। तो क्या करूं? शादी। शादी जो लिखा है वो तो होगा ही, और सब कुछ होगा, मिलना बिछड़ना रोना सब। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। ये पंडित के बोलने से तलाक वलाक नहीं होता है, तलाक होता है लड़की के बोलने से। और लड़की बोलेगी नहीं क्योंकि लड़की तुम्हारे साथ है, है? लड़की तुम्हारे साथ नहीं है, तुम लड़की के साथ हो। कौन सी? कौन कौन सी लड़की? पूरा गोवा तुम पे पागल है मेरी जान। सही में पूछ ले सुमित से। सुमित यार, ये मून के चक्कर में ना लड़कियों की इमोशंस नोटिस ही नहीं कर पाता हूँ यार। हाँ भैया, आप तो टॉम क्रूज हैं गोवा के, सारी लड़कियों का ध्यान आप पर ही है, सब यही सोचती हैं कि ऐसा एंटीवायरस भगवान ने दूसरा क्यों नहीं बनाया। हाँ यार, तुम लोग मजे ले रहे हो क्या? अबे हम कौन होते हैं मजे लेने वाले, मजे तो उन्होंने ले रखे हैं। दामून मेरी यहाँ लगी पड़ी है, कोई मेरे बारे में बात करेगा? अरे यार, मैं तो पहले इन लोगों से कम टू द पॉइंट वाली बात कह रहा था कि ये पंडित के बोलने से कुछ नहीं होगा। भाई तेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा, तू बस शांत रह, मून को देख, मून का नाम ले और ये ले ठंडी बियर का घुट मार। ये हाथ दिखाओ पैर दिखाओ कुंडली बनवाओ के चक्कर में पड़ेगा ना तो जिंदगी के लग जाएंगे। अरे खुश रह, शादी कर, तेरा तलाक नहीं होगा। नहीं यार, ये बात नहीं है, मेरे भाई के लिए भी सेम प्रेडिक्शन हुआ था, उनका तो शादी के बाद 6 महीने में ही तलाक हो गया, पुलिस केस भी हुआ और उसी वजह से माँ को हार्ट अटैक आ गया। तू कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी छोटी बहू की हाथ की रोटी खाए बगैर मैं नहीं मरने वाली। माँ आप ही ना, माँ भी कैसी बातें कर रहे हो? सही कह रही हूँ, तू चाहता है ना मैं मर जाऊं तो ठीक है, मर जाती हूं मैं। भैया आप ही सब जाइए ना। माँ तो फिर तो सगाई के लिए हाँ क्यों नहीं कर रहा बेटा, 2-4 दिन रुक जाएगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, 8-9 महीने में तेरी शादी का मुहूर्त है, और फिर हमारे यहाँ शादी और सगाई दोनों एक साथ होने का रिवाज नहीं है, क्यों बेटा? हाँ वो भी है भैया। माँ मैं कह रहा हूँ ना कि मैं वापस आ रहा हूँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? आप सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखिए बस। हाँ रखूंगी मैं अपना ध्यान, लेकिन तू भी पूजा याद से करते रहना जैसे पंडित जी ने बताई है। भगवान शिव की कृपा से इतना अच्छा रिश्ता तय हुआ है तेरा, इसलिए पूजा याद से करते रहना, वरना मैं भले ही बहू का मुँह देखूँ ना देखूँ तू मेरा मरा हुआ मुँह जरूर देखेगा। यार क्या, माँ के इमोशंस तो बहुत सॉलिड है, पर मतलब डायलॉग तूने फिल्म ही नहीं बोला माँ ने, मतलब कुछ नया बोला चाहिए था ना, समथिंग न्यू। तो एक काम कर, अब तू कुछ नया बोल, अब तू नया बोल, तू माँ है अब तू नया बोल। हाँ अगर तू इस जगह होता तो तू क्या बोलता? क्या बोलता? नया नया बोल।
मतलब यार? मतलब क्या? मतलब नया क्या? सालो तुम लोग कभी सुधरना मत, तुम लोग मेरी माँ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना लो, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगा। अजय जी कहाँ जा रहा है यार? वॉक करने जा रहा हूँ यार। ठीक है देख यार, गांव में ना, गांव में कभी कभी किसी किसी लड़की की कुंडली में उसके पति के मरने का समीकरण होता है। अबे मरने की प्लानिंग होती है, तो क्या है ना, वो एक मटके से शादी करा देते उसकी, ठीक है, उसके बाद ना वो मटके लगा फोड़ देती है। अब मटका फूटा पति से, तो ये अपना जेडी है ना, जेडी हम इसकी शादी किसी सुराई से करा देते हैं। क्यों? मटका जो है वो मेल है और सुराई फीमेल। भाई ये ले। नशे नशे में बात सही कर गया। लो भैया, जरूरी नहीं कि इंसान हर बार समझदारी की बात करे। सर आप भी ले ही लो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब वो जेडी के लिए वो सुराई तो ढूंढनी पड़ेगी ना। अब जमाना ही खराब है तो कोई क्या करे। जेडी की शादी के मंडप से उसकी होने वाली बीवी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गई, दिल टूट गया ना बेचारे का, मुरझा गया एकदम। अब क्या है कि उस मुरझाए हुए पौधे में जान डालने के लिए हमें ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब उसका एक ही उपाय है, शादी। एंड यू नो व्हाट शमा जी, यू आर लाइफ सेवियर, लाइफ सेवियर। पंडित जी बस पूजा फटाक से निपटा दीजिएगा। पंडित जी को फूल दे पहले। ये अबे दूल्हे राजा आ गए भाई, दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए। अबे क्या नौटंकी लगा रखी। अबे शादी है तेरी। हाँ शादी है मेरी? क्यों तरफ क्या बेकार की बातें कर रहा है? ये कौन है? ये तेरी होने वाली बीवी, मैं तेरे को समझाता हूँ। देख अभी तेरी शादी होगी, फिर तेरी सुहागरात, सुबह पेमेंट खत्म, तेरी पहली शादी खत्म, डिवोर्स मैटर ओवर मेरी जान। भाई यार, भाई, 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 भाई सारी बात हो गई, अच्छे से रेडी है यार, रेडी है। क्या फालतू की बात कर रहा है? सुन तू यार, क्या तरीका होता है यार, क्या बसूड़ी पा रहा तू यार? है मैंने 10,000 रुपए दिए, सैंडी ने 5,000 रुपए दिए, तेरा घर बसाने के चक्कर में ऑलरेडी 15,000 रुपए का खर्चा हो गया भाई। यार लोग क्या कहेंगे? हा? कुछ नहीं कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे सैंडी? लोग कहेंगे कि 50,000 वाली 15,000 में बटा ली, है क्या डील है? सही है। अबे लोग क्या कहेंगे कि मैं बार वाली को घर ले आया हूँ और अपनी बीवी बना ली, वो मेरी बार वाली मेरी बीवी है। अबे बोलती है चली जाएगी यार। जाती तो जाए यार। अबे अरे बात नहीं सुनता यार। पड़ जी, 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 यार यार कोई तरीके मुंह तोड़ दूंगा यार, इतना समझा ले से। हटो, अरे यार पिछड़, अबे क्या कर पंडित जी, पंडित जी यार, पंडित छोड़ो छोड़ो, पंडित जी आओ, पंडित जी मैं माफी चाहता हूँ। ये क्या कर रहा है? गुरुदर्शन और ये पहले पैसे देके और देना। क्षमा चाहता हूँ पंडित जी, गलती हुई, और आप प्लीज प्लीज मैडम आप प्लीज जाइए। और तुम लोग ना, माँ कसम, माँ, हाँ माँ, अबे माँ की वजह से कर रहे ना ये सब। अब तू खुद सोच, तेरी वजह से माँ को कुछ हो गया तो, अबे कुंडली में दोष है तो दोष काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, है? और तुझे शादी तो करनी है, आइडिया, तू ऐसा कर, तू गंधर्व विवाह करो, मामला निपटा। गंधर्व विवाह? हाँ ये क्या भाई गंधर्व विवाह? मतलब वन नाइट स्टैंड, ग्रहों के आगे हाथ जोड़ो और बोलो हम अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं, दैट्स इट। हाँ ये मेरे को चलेगा। हाँ गंधर्व विवाह, पर मेरे को गिफ्ट बरोबर मांगता है करके। क्या? हाँ ये क्या है? मैनी क्वीन। मैन का तो है पर क्वीन का किधर है? अब मैं नेट पे फोटो लगाएगी तो मेरे फ्रेंड लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे करके। हाँ करेक्ट। सुमित हाँ, इनकी ड्रेस लाने को कहा था, कहाँ है? हाँ हाँ लाओ ना, आइए जाइए। ये सुन यार, देख मैं ये सब नहीं करूँगा यार, वो मेरा फोटोग्राफ लगा देगी ऑनलाइन। सुन और टेंशन मत ले, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई तेरी फोटो नहीं खींचेगा, तू एकदम फिट है। देख भाई बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं, हाँ और अब पैसे तो वसूल करने पड़ेंगे ना कि नहीं? हाँ नहीं यार, मैं ये सब देख, ये ठीक नहीं है भाई, ये ठीक नहीं हो रहा। अरे सब ठीक है, तू चल आ जा,
मैं नहीं कर सकता ये सब। भाई 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 माँ माँ की खातिर, और देखना सुबह तक तेरी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। हाँ भाई, सारे दोष निपट लेंगे, ना कुंडली में दोष, ना लाइफ में दोष, यहाँ तक कि सपने में भी दोष नहीं आएगा। अच्छा तू छोड़, तू अंदर जा, हम उसे भेज रहे हैं, ठीक है ना? सुन 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 सुन, ये हेलमेट लेता जा, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है। मैं ये सब नहीं करता यार। यार अरे यार, तुम लोग मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हो यार? जा 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 भाई। शुभ, अरे शुभ तलाक, शुभ तलाक। सुनो भाई, सेट है सेट है। शेरवानी कई को उतार दिया, पर फिर भी उस पुतले से भी ज्यादा मस्त लग रहा है तुम। ये लो दूध। देखिए मैं आपके साथ कुछ नहीं करने वाला, वो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत प्रेशर किया तो इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। जैसा आपका मूड हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम करिएगा, जैसे ही वो सब सो जाए तो आप प्लीज चले जाइएगा, मेरा मतलब जब आप जाना चाहें। हाँ ठीक है, मैं चली जाएगी। हाँ बेवफाई का दर्द क्या होता है, मेरे को फील है करके मैं चली जाएगी। अरे बस क्या, इतना तो मानो, ऊपर ही सो जाओ ना। नहीं मैं नीचे सो जाऊंगा। देखो कितना मस्त सजाए लाए करके, है ना? प्लीज आप अब ये लाइट बंद कर दो ना। वो क्या है कि मेरे को इतनी लाइट की आदत नहीं है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं धूप में बीच पे सो रही है करके। क्षमा कहाँ है? चलेगी रात को। अबे आग कैसे लगी? अबे फिर कान कर दिया सुमित। ये तो मैं पूछ रहा हूँ, चली गई थी तो वापस कैसे आई? अरे तुम तो चली गई थी ना। वापस आ गई। हाँ लेकिन क्यों आ गई? याद आई करके मैं वापस आ गई। कल रात भर मैं सोची, मेरे को कितना इमोशनल लगा मालूम क्या? क्या इमोशनल? एक्सक्यूज मी, हाँ तो क्या मेरे अंदर इमोशनल नहीं है करके? सुहागरात तो सभी लड़की का ड्रीम होता है ना कि उसका पति
घोड़े पे आए, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपने जो किया करके। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया? इमोशनल किया ना मेरे को, यही तो आपकी ये इच बात ने ना मेरे दिल को टच किया कि आपने मेरे को टच नहीं किया करके। अबे क्या है यार, इतना पैसा दिया तो मतलब पैसा दिया तो आपको ये बोला मैंने। इमोशन के बीच में पैसा नहीं लाने का, हाँ क्या है कि पैसा नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ पति का प्यार चाहिए। शादी के बाद की पहली कमाई रखी है मैं मंदिर में, जिस किसी का भी हो जाके ले लो। हाँ मैं पैसे लेके आता हूँ। श्यामा जी देखिए क्या है कि हम आपको सिर्फ एक ही दिन के लिए लेकर आए थे। अभी लाने की जरूरत नहीं है, क्या है कि मैं अभी कभी भी आ सकती है करके, है ना? अब ये मेरा हस्बैंड है ना। हाँ, ले ये तेरे 5,000 रुपए, पैसे तो बच गए लेकिन इसे भेज यहाँ से, मून आने वाली भाई मैं नहीं बचूंगा। एक तू और तेरी मून सेंड करना मेरे को। हाँ श्यामा जी देखिए क्या है कि जो आपकी हमारी बात हुई थी वो तो हो गई पूरी, बल्कि उससे तो कमी हुआ है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा दोस्त है इसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है। हाँ। अब अगर उसने आपको देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अभी आप प्लीज। हाँ ठीक है मैं जाती है, क्या है कि मैं तो सबका दर्द समझती है ना। हाउ स्वीट। मैं है ना सारे दर्द भुला देगी करके। बाय बाय। मैं आऊं आ जाए ना। ये लड़की कौन थी? इसकी बहन नौकरानी? नौकरानी थी, इसकी बहन का एड्रेस पूछ रही थी। हाँ क्यों? वो दीदी को नौकरानी चाहिए काम करने के लिए, तो वो एड्रेस पूछ रही थी, है ना? तो तुमने रखी क्यों नहीं? हमने तो रख ली थी। हाँ इसने मना कर दिया। हाँ क्यों? तुम हो ना? मैं नौकरानी हूँ। वो कहना चाहता है कि वो तुमसे इतना प्यार करता है कि अब किसी पराई लड़की को इस घर में नौकरानी तक नहीं रख सकता। आ, घर का सारा काम करेगा, ये भी कहता है ना। ये मंडप? मंडप मंडप मंडप। अब ये मंडप तो जवाब नहीं देगा ना। हाँ। जवाब दो। हाँ बताते हैं ना, बताते हैं। बोल भाई बोल। वेडिंग प्लानिंग का काम तुमने शुरू किया, अब मैं किसे बताऊं कि तुमने शुरू किया, बताओ ना। हाँ तो काम काम होता है, कुछ छोटा बड़ा थोड़ी होता है। वर्क इज वर्शिप। वर्शिप काम काम होता है, समझ रहा है ना तू? और तू भी शाम को अपना काम खत्म करके टाइम पर पहुंच जाइयो। हाँ डिस। अच्छा डिस जाने की प्लानिंग थी, तभी मुझे कह रहे थे बेबी आज शाम को मिल नहीं पाएंगे, ऑफिस का काम है, राइट? You liar! This is not working anymore. This is over. I'm leaving. Bye. Moon. Simple. You don't love me anymore. नहीं. मैं पागल दिख दिया। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे और इस बार ये final है। Sorry बोल रहा हूँ ना यार, please बात सुनना। अब जब सब कुछ खत्म ही हो चुका है, तो sorry की क्या ज़रूरत? पीछे हो। यार बात। परे हट। Get lost. Moon, बात तो सुनो। Moon. दफा हो। Go to hell. Moon. You go to hell. तूने उसके साथ कुछ किया क्यों नहीं? अरे यार पंडित जी ने कहा है कि शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, पूरे प्रोसेस से जाना होगा, मिलना बिछड़ना रोना धोना सब। लेकिन होगा कैसे? सुने काम करते हैं। तलाक के लिए लड़की ढूंढते हैं। Hey bro, you come and dance. Thank you. Ramse.
बाय। एक मिनट में आया यार, मून का कॉल उठा के आता हूँ। हाँ कुचू पुचू। मैंने इसलिए फोन किया कि डोंट कॉल मी। बेबी आई वॉज मिसिंग यू। आर यू ड्रंक? नहीं माता रानी की कसम, मैंने कभी हाथ नहीं लगाई जब से तुमने मुझे मना किया है। डू यू थिंक आई एम अ फूल? यू जस्ट चेक्ड इन क्लब एस्केप। नहीं बेबी, हम तो यहाँ से जा रहे थे, हम तो पेट्रोल भरा रहे हैं। बेबी मतलब तुम हो मतलब, अरे छोड़ो ना उस बात को। हाँ भाई मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बारी किस्मत, कोई तारा टूटे तो हम भी कुछ मांग ले। पायलट टेक मी टू अंजना। हाँ मिलते, तुम जब को मिल लेंगे। सुना नहीं क्या, अंजना जाना है। हाँ दो मिनट। ये अभी तक मून से लगा हुआ है भाई, बेचारे की ना जिंदगी बर्बाद हुई। अबे सुनो यार, हमेशा आदमी मून के पास। लड़की जो तलाक वाले अंदर ढूंढी थी वो घर छोड़ने की जिद कर रही है। अरे बाप बेटे, दो घंटे में तूने ऐसा क्या कर दिया कि वो तेरे लिए अपना घर छोड़ने का राजी हो गया? अबे नहीं यार, वो कह रही है कि मुझे घर छोड़ के आओ। हाँ ये हुई ना बात, एक काम कर तू ये रख ले और जा जी ले अपनी जिंदगी। हाँ अबे नहीं यार, मैं ये सब नहीं करता। अबे तेरा पता है भाभी का मूड हो गया तो। अरे तू जा जा जा, ऑल द बेस्ट। जा हेलमेट मत भूलना। हाँ ये तलाक वाली लड़की कौन है? घर चल के बता। घर चल के बता। संभल के आराम से। भेज किया, भेज किया। ओह संभल के जाना आराम से। ओके बी गुड। देखा, जो आदमी बिना पिए अपना घर नहीं भूल सकता, वो पी के कैसे भूल सकता है? जी कमाल की बात है। कमाल तो है। अच्छा तो मैं, अरे सुना,
तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है? कुछ खिला ना। हाँ। जल्दी। जी वो किचन कहाँ है? खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अब ये लो। Very good boy. मैं चेडी। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? बात बात पर नाम चिपका देते हो। मैंने पूछा क्या तुम्हारा नाम क्या है? पेंच की भलाई बेड पेरू एक Who are you? Get lost. Get out. पिया का नंबर नहीं है, जेडी का नंबर है। मैंने कहा ना आपको नाता ही नहीं लाने चाहिए तो। अरे रॉन्ग नंबर है बाबा। क्या हुआ? अरे सुबह से 200 फोन आ गए हैं, सारे ही रॉन्ग नंबर। एक तो रात को साला वो जीप का टायर पंक्चर हो गया, सुबह 5 बजे घर आया हूँ और ऊपर से फोन नहीं सोने दे रहा। चाहिए बता क्या हुआ कल रात? तेरा मूड क्या है भाभी का? अबे काहे का मन, वो तो हिटलर की अम्मा निकली। पहले उसे खिलाया पिलाया सुलाया फिर भी। इसका मतलब मैडम लड़ाकू विमान है। हाँ तो ठीक है ना, तलाक तक जल्दी बात पहुँचेगी। भाई तलाक तो 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन उसे पटाऊंगा कैसे? शादी कैसे होगी? ओ भाई पटाना बड़ी बात नहीं होती, पटा के ना निभाने में आदमी की कट लेती है, और फिर ऐसी कटती है ना कि कट के हाथ में भी नहीं आती। हाँ हाँ तो ना आए हाथ में, लड़की तो है ना हाथ में, तेरे पास है ना, इसे तुझे कोई वैल्यू नहीं है। उनसे पूछ, उनसे जिनके पास नहीं है। कैसे बताऊँ क्या दर्द होता है ना होने का, क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब नहीं होती है। नहीं आप गलत, जानबूझकर। अरे यार समझा इसको यार, ठीक है जी मैं ओके। हां तो मैं भी नहीं रहना चाहता था सर। तो मत रहना बंद करो यार, क्यों परेशान कर दे रहे हो? मैं करूं क्या बकर? तू ही तो कर रहा है। और टिया नाम है उसका, उसी का फोन था मेरे नंबर से। इसका मतलब ये फोन उसका है। बाबा तेरी किस्मत तो सॉलिड चल रही है भाई। देख पहले उसने तेरे को ड्रिंक ऑफर किया, फिर तेरी जीप में बैठी, अब तेरा उसके पास और उसका तेरे पास। सही कह रहा है। बात तो सही कह रहा है। अच्छा सुन, मोबाइल देने जा और कर ले दुनिया मुट्ठी में। हाँ बिल्कुल। अबे यार उस पे कॉन्सेंट्रेट करो यार। यार कोशिश तो मैं कर लूंगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। दुबे जी तैयार हो जाइए, रोमांचक समय आ रहा है। आप आपका फोन वो एक जैसा था तो इसलिए। Come in. Come in. क्या ये? मैडम आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हैं। ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। तो ऐसा आदमी कौन है? सुमित, सुमित कहाँ है ये? कोई और भी था कल? नहीं। कौन कौन थे कल रात को? कल रात को मैं गेला आया था, आपने मुझे कहा कि घर छोड़ दो, तो मैंने आपको घर छोड़ दिया और फिर खाना दिया। आप चेक कर लो, अगर आपको लगे कि कुछ किया है तो। और मेरा फोन, मेरे पर्सनल वीडियोस देखने के लिए ले गए थे। आपका फोन ये रहा, आप मेरा फोन दे दीजिए प्लीज, ये गलती से हो गया, वो एक जैसे थे तो अपने आप ही खुद ही चला गया। Do you wanna have मैं माफी मांग ही रहा था और सुबह आपने क्या तुम कॉफी पियोगे? फोन ही काट दो।
चलो लगे रहो दुबे जी, आपका रोमांचक समय शुरू हो गया। नाइस कॉफी, थैंक यू। क्या करती हो जेडी? जेडी नाम है ना तुम्हारा? ज्योतिरादित्य सूर्यकांत दुबे। वाओ, जेडी इज बेटर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तभी तो इतनी अच्छी कॉफी बना लेते हो। कहाँ रहते हो? बागा में। ओ, फैमिली? वो यहाँ नहीं है। ओ, I'm so sorry। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि No, I understand कि बिना पेरेंट्स के लाइफ कितनी टफ होती है। चेडी ये सब छोड़, इम्प्रेस कर। Excuse me, कुछ पल हैं यादों के, हंसी सौगात की सही, नम हो जाएं आँख कर। ये लाइन तुम्हारी है? नहीं जी, वो सैंडी की है। नाइस। डोंट ट्राई दिस डांस विद मी अगेन, गो होम। दुबे जी, अरे बस करना, बंद कर यार। ओके ओके, या या या। नहीं यार, मुझे उससे नहीं मिलना। अरे पागल कर देती है वो। दीपक यार, अब तू ही कोई रियल सा बहाना सोच मिलने का। हाँ भाई, तू एक्सपीरियंस है भाई, अब तू ही बता। भाई मेरे पास मिलने के नहीं, ना मिलने के बहाने होते हैं। और वो तो तू कभी बोलना भी मत, क्योंकि वो इसके कभी सक्सेसफुल नहीं होते। अभी भी तैयार होकर मिलने के लिए जा रहा है उससे। भाई वो थोड़ी परेशान है और वो अकेली भी है। मैं जा रहा हूँ भाई। अरे मैं जा रहा हूँ भाई। सुन 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 सुन। हाँ। अबे हेलमेट है कि दूँ? है बे। तो भैया हमें ही तुम्हारे लिए कुछ सोचना पड़ेगा। नंबर है उसका? नहीं यार। हाँ हाँ है, उसने मुझे फोन किया था मेरी फोन से। हाँ है। बस अब कल उसको मैसेज करना, और मैसेज क्या होगा ये मैं बताऊंगा। ठीक है। और सुन मेरे बाप, इस बार उसको ये बिल्कुल मत बोलना कि किस महान राइटर ने तुमको लाइन लिख कर दी थी। सैंडी द ग्रेट। हाँ तो भाई किसका है? अब तो मुस्कुरा दे। जेडी, ऐसे कोई बात हुई आज? नहीं। दुबे जी एक बियर ला दीजिए प्लीज। आज तो बड़े प्यार से बोल रहा है, गंगा कहाँ से बह रही है? ला भी दे, भाषण ना दे। लाता हूँ। भाई भाई भाई, तेरा फोन बज रहा है यार, उठा लिया कर यार, क्या करता रहता है यार तू? बेटा एक गरम गरम खाओगे ना तुम्हारे लाइफ से। हेलो दुबे जी, एंग्री क्यों हो? जी मैं तो समझ गए, कितना अटकते हो यार, सीधे सीधे बोलो ना कि बुरा लगा। चलो आई एम सॉरी, बात खत्म। मैम कस्टमर। या वन सेकंड, सो आई विल कॉल यू लेटर देन। ओके जी, बाय। ये भी कच्चा है। अरे यार टिया का फोन कैसे आ गया? बच्चा मैंने तो बोला था ना, तेरी किस्मत सॉलिड चल रही है, सॉलिड। अरे दीपक, तूने मून को कब से गिफ्ट नहीं दिया? 10 दिन पहले तो मोबाइल गिफ्ट किया था उसे। अबे मोबाइल काम की चीज है, लोग कान से लगा के रखते हैं, समझ रहे हैं ना? कुछ ऐसा दे उसको जो अपने दिल से लगा के रखे। देख मून के बारे में ना चीप बातें मत क्या कर तू, मैं खुद नहीं करता। तो आश्रम बनवा ले उसके नाम का। जेडी टिया के बुटीक पर जा रहा है उससे मिलने के लिए, तो वहाँ से मून के लिए कुछ ले लेगा, तू भी कुछ, मून भी कुछ। दीपक चल एक काम कर, पैसे दे उसको फटाफट, जल्दी ले दे। भाई इसके काम के लिए मैं क्यों पैसे दूँ, हैं? अबे एक बात सुन, जेडी के पेमेंट से लाई हुई ड्रेस से मून अपना जिस्म ढकेगी। सोच कैसी फीलिंग आएगी तेरे को, हाँ?
अबे यार मैं नहीं जाऊंगा वहां पे यार, वो हिटलर की अम्मा है, मैं उसके पास ही जाऊंगा। यस कैन आई मीट टिया जी? आप अंदर जाकर मुलाकात कर सकते हैं, वो वहां है। दुबे जी आप यहाँ? वो मैं ड्रेस लेने आया था तो सोचा कि आपसे भी मिलूंगा और ड्रेस भी ले लूंगा। ड्रेस किसके लिए? गर्लफ्रेंड? क्या नाम है उसका? मून। तो कैसी ड्रेस चाहिए तुम्हें? जैसी आपकी पसंद हो। गर्लफ्रेंड तुम्हारी है तो ड्रेस भी तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, मून मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो दीपक की है। तो दीपक को यहाँ आना चाहिए था ना, तुम क्यों आ गए? उसकी पसंद अच्छी नहीं है। एक बात बताओ डूबे जी, गर्लफ्रेंड किसी और की, रोज वाली लाइंस किसी और की, कॉन्डम्स भी किसी और के थे और फोन में डिस्प्ले पिक्चर भी किसी और की, तुम्हारा है क्या? फोन है ना, उसको भी नहीं पहचान पाते, किसी और का उठा के ले जाते हो। मैंने सॉरी बोला तो था। हाउ इज दिस ड्रेस? नाइस। ओके टीनो। यस मैम। पैक दिस, कम। यू वांट हैव कॉफी? नहीं। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू मेक इट हियर। टू कॉफीज प्लीज। आप तो बड़ी मस्त लग रही हैं। वो क्या है कि परसों मैंने फेशियल करवाया था तो दो दिन बाद चमकता है करके। अच्छा मेरे वो किधर है? शौहर? वो आज ईद है ना तो मैं उनको मिलने के वास्ते आई है। भाईजान, भाभी जान आई हैं। आइए आइए आइए, देरी वाली नहीं है। वो क्या है कि मैं आप सबके लिए शीर खुरमा और सेवई लाई है। वहां रख दो, हम खा लेंगे। शमा, उस दिन तुम पूजा कर रही थी, आज तुम ईद मना रही हो। वो क्या है कि मैं अनाथ है करके इसीलिए मैं सभी धर्म को मानती है और सभी धर्म वाले भी ना मेरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं प्यार की पुजारी, मुझे प्यार चाहिए। तू खीर पे फोकस कर। मेरी याद नहीं आई करके? आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं, आप ये बात मन से निकाल दीजिए। पन आपको मैंने अपना तन मन अर्पण किया, मैं तुलसी तेरी आंगन की करके। अरे मैं तो भूल ही गई, मेरी ईदी किधर है? क्या ईदी? हाँ, ईद पे जो गिफ्ट देते हैं उसको ईदी कहते हैं। भूल गए ना? मेरे प्यार में जास्ती कमी रहेगी क्या? मेरा कोई नहीं करके इसीलिए ना। ऐसा नहीं है, आओ थोड़ा साइड हो। प्लीज प्लीज कम। या हाँ अंदर अंदर। लो भाई, हो गया इसका गंधर्व विवाह। शादी नहीं हुई तो ये हाल है, शादी हो गई होती तो। अभी मून आ गई, उसको निकालो यार। खोल यार, मैं मर जाऊंगा यार, उसको निकालो यार। अरे बाहर निकल। अरे यार खुलवा ना यार, मैं क्या करूं? अरे खोल ना यार। ओह माय गॉड, है ना? आपको भी अच्छा लगा ना? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू, आपने खुद से पसंद करके लाया है मेरे लिए।
मेरे से I love you निकलने ही वाला था, इतना इमोशनल फीलिंग आया मेरे को। अरे यार ये, अरे पाप मेरा, ये आप मेरा ड्रेस, अरे आप जाओ यार, प्लीज यहाँ से जाओ ना। हाँ हाँ मैं जाती है, मालूम है मेरे को तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है करके। अब बस जाते जाते एक उनकी वो ले लो। हाँ हाँ ले लो ले लो। अरे ले लो ले लो भाई, कोई नहीं देख रहा, चलो जल्दी ले लो। क्या, मैं तो सिर्फ सेल्फी लेने को बोल रही हूँ, पिछली बार ली थी ना उसका वॉलपेपर रखा है करके, देखो। अभी यार क्षमा क्षमा क्षमा, देखो अभी तुमको जाना पड़ेगा, ये सब बाद में, अभी उठो और प्लीज तुमको जाना पड़ेगा, इसकी गर्लफ्रेंड आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज बहन जाना प्लीज। ठीक है मैं जाती हूँ, बाय। अरे बता दो तुझे। भाई जान, भाभी जान आ गई, भाभी जान आ गई। अरे यार फिर से क्यों आ गई, अभी तो मून मून आ गई, मून फिर से आ गई, मून तो आती जाती रहती है ना। ये वही ड्रेस थी ना? हाँ लड़की भी वही। तो हाँ तो मैं पूछ रही हूँ, ये वही ड्रेस थी ना जिसकी पिक तुमने मुझे भेजी थी? खीर जबरदस्त है, बताओ। अबे मैं क्या बोलूँ, ये देखो तुम्हारा नाम लेते कैसे चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है बेचारा। मैं ऐसी हूँ? नहीं नहीं ये ऐसा है, मतलब थोड़ा सा पोजेसिव है। सुमित कह रहा था कि वो ड्रेस इतनी अच्छी है कि कोई भी पहनेगा तो अच्छी लगेगी, अब तुम्हारा नाम आया तो ये चढ़ गया। पर मेरा नाम आया था? लाएगा लाएगा लाएगा। ला इसी बात पे दोनों में शर्त लग गई और काम वाली को ड्रेस पहनवा दी, पर उस पर तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं लगी। अब प्रॉब्लम ये थी कि उससे उतरवाते कैसे, खीर जबरदस्त है पर मून जो बनाती है वो लाजवाब है, लाजवाब। लेकिन मून ने खीर कब बनाई? चिकन यार चिकन, हाँ क्या खतरनाक बनाती है। गुड तो फिर मून आज बताएगी ना कि दीपक सही है कि मून। हाँ मून आज तो तुम बताई दो। हाँ गाइस आज मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं कुछ बनावा। हाँ तो मन कर रहा है तो बनाओ ना। हाँ, I'll come. Yeah, we are waiting only. पूछी। हाँ हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जाना यार क्या कर रहा है यार तू? हाँ। All the way. बाबा बाबा बाबा। क्या बात है, सुर कहाँ से लगा? बस। क्या बात है? हाँ यार फाइल्स तो बड़ी मुश्किल खत्म की, जमा भी करा दी, हाय रब्बा सारी रात बैठ के मैंने काम किया। पूछी थोड़ा प्याज टमाटर और काट दो प्लीज। चिकन का ध्रुव बनाया। क्या बनाया? दाल भी बड़ी अमेजिंग है ना। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अप्रिशिएट नहीं कर सकते? और नहीं तो क्या। पर मैं तो रहन दो, यू डोंट वैल्यू एट ऑल, किसी ने इतने प्यार से चिकन बनाया, एक तुम हो की परवाही नहीं। नहीं नहीं जा रही हूँ मैं। अरे मून मून थैंक्स फॉर द फूड मून। तो सारा खाना मैंने ही बनाया यार। पता है बहुत बार खाया तेरे हाथ का। हाथ धो के उसके पीछे जा वरना उससे हाथ धो बैठे जा। भाग दीपक भाग भाग भाग। मून सुनो ना, क्या हुआ मोहन, चिकन तो अच्छा बना था ना? वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अच्छा बना था या बुरा, अच्छी तो वो लड़की है ना जिसे तुमने ड्रेस गिफ्ट कर दी, और हाँ उसके हाथ की तो खीर भी अच्छी लगी थी ना तुम्हें। नहीं नहीं मून क्या से आप पा रही यार। ते हाँ आज के बाद मेरे लिए ड्रेस मत लाना। मून 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 बात सुनो ना मेरी, लेकिन चिकन तो अच्छा बना था ना मून। मून मून चिकन 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 हेलो टिया जी। ओ हाय दुबे जी, अब टीनो। यस मैम। कैन आई हैव अ चेयर प्लीज? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? तशरीफ रखिए। शुक्रिया।
आप अगर जल्दी फ्री हो जाएं तो... तो? आप लंच तो करती ही होंगी। मैं अंदाजा लगा रहा था कि वो... बस बस, मैंने भी अंदाजा लगा लिया कि क्या सोचा है और क्या लगा है। तुम इतना हड़बड़ा क्यों जाते हो? Are you hitting on me? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं? हाँ? दुबे जी, I'm a little busy now, so let's meet in the evening. ठीक है, I'll wait. Goodbye. Bye bye. I do as you say. Want it the other way. Coffees on Saturdays, breakups on Sundays. It's like I do as you say. Want it the other way. Coffees on Saturdays, breakups on Sundays. Ye meri jaan, badhega faasla. Ho kar juda, phir milega koi naya. मेरी जान बढ़ेगा फासला हो कर जुदा फिर मिलेगा कोई नया I like desi food and she wants a subway seafood she wants a subway if I say I love you wo bol degi hat re ye meri jaan badhega faasla ho kar juda phir milega koi naya phir meri jaan badhega faasla ho kar juda phir milega koi naya ha bhai kya socha are dekh lo yaar ek bar bada time ja raha hai soch lo अम्मा बड़ा फोर्स कर रही है आ जाओ एक बार सगाई करके चले जाओ भैया वो सैंडी का फोन दोपहर को भैया मैं आपसे बाद में बात करता हूँ अभी ऑफिस में हूँ अच्छा अच्छा चलो चलो ठीक है ध्यान रखो अपना हाँ क्या हो गया तेरे को यार वो टिया से कुछ जम नहीं रहा घर से सगाई का बहुत प्रेशर आ रहा है समझ नहीं आता कि क्या करूं तू जजमेंटल क्यों हो रहा है और सबसे पहले तो इस कंपैरिजन को अपने दिमाग से बाहर निकाल दे टिया कोई इतनी गलत लड़की नहीं है वो कहते हैं ना कि एक बंद घड़ी भी दिन में दो बार सही वक्त बताती है सो स्टे पॉजिटिव अच्छा वो टिया का फोन आ रहा है तो चल भाई कहाँ हो डूबे जी आजकल गायब ही हो गए बस कुछ नहीं वो वर्कलोड बहुत था तो व्हाई यू साउंडिंग सो लो डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली यार चलो एक काम करते हैं लेट्स कैच अप ठीक है थे हम ये कहां पे लटके आसमां से गिर के खजूर में अटके फिर बढ़ेगा फासला चलो
हेलो भैया। यार तुमने बोला था कि किसी अच्छे पंडित से मिल करके कुंडली दिखाओगे, दिखाई क्या? हाँ भैया दिखाई, वो कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा चलो फिर तो बढ़िया है। अच्छा अगले महीने की 15 तारीख ठीक है सगाई के लिए? नहीं भैया रुक जाइए, मैं एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट में लगाऊँ और उसे कंप्लीट होने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो मैं फंस जाऊँगा। लेकिन फंसोगे क्यों? मतलब वो फंसा ही हुआ हूँ, दिन रात काम चल रहा है तो वक्त ही नहीं है। चलो ठीक है, अब जल्दी बताना, यहाँ पे मम्मी उम्मीद लगा के रखी हुई है, और बाकी वो सरिता का फ़ोन आएगा तो अच्छे से बात कर लेना। सरिता कौन? घर की होने वाली बहू। भैया मैं उनसे फ़ोन पे बात करके क्या करूँगा? तुम तो जानते हो मेरे तलाक के बाद से ही मम्मी बीमार रहती हैं, कल को सरिता बहू बन के आएगी तो उन्हें भी खुशी मिलेगी। अबे दुश्मनो, शमा ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया करके, हाय हाय हाय, मेरा अंग अंग फड़ के। हेलो 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 हेलो, अब तो इनका भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने लग गया। मुझे लगता है तुम 6 महीने लगा दोगे सिर्फ लड़की को घुमाने में। अबे एक छोटा रिचार्ज तो ले लेते। ओए क्या मतलब है छोटा रिचार्ज, और तुझे कैसे पता छोटा रिचार्ज? तूने मून से बात किया क्या? तू खुद ही तो फोन पर लगा रहा था इतनी जोर जोर से। छोटा रिचार्ज दो ना प्लीज, एक छोटा रिचार्ज दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। ग्रो अप, बड़ा हो जा, फुल टॉक टाइम ले, और तू छोटा रिचार्ज ले, प्रपोज कर उसे। होली, होली पे करता हूँ। आ गया होश? टिया, मैंने फिर कोई गड़बड़ की। गड़बड़? उस दिन तुम बोल रहे थे कि कुछ कहना चाहते हो, ये देखो। क्या? फूल दे रहे थे एक लड़की को, एक को किस करने वाले थे। टिया वो गेट आउट ऑफ योर, सुनो, शट अप, Get out of here right now. लस्सी जल गई पर फल नहीं मिला। भाई कल का दिन ही खराब था, इतनी भांग नहीं पिलानी चाहिए थी। सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, दिन खराब था तेरा, किस्मत सॉलिड चल रही है। पता है कितनी लड़कियों को प्रपोज किया तूने कल? एक तो बढ़ भी गई थी पर तू ही आगे बढ़ गया। अबे गुच्छा टूट रहा है लड़कियों का तेरे पे, गुच्छा। 12 तलाक होंगे तेरे। छोड़ दे टिया को, वैसे भी वो सही लड़की नहीं है। ए, क्या बोल रहा है? टिया गलत नहीं है, ना ही टाइम गलत है। तू टिया को फोन कर, उसे माफी मांग, और तू मून को फोन करना बंद कर यार, उसका फोन मत उठाना। तेरी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? हाँ यार, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। और तो उसको फोन कर यार। अबे लग गए। क्या हुआ? टिया भी तेरा फोन नहीं उठा रही? मैं फिर से उसका फोन ले आया। ये जो तुम्हारे ड्रामे है ना, इससे पता चलता है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। यू आर सो चीप, यू नो दैट? तुम क्या सोचते हो और क्या करना चाहते हो ये मैं अच्छी तरह से समझ गई हूं। नहीं नहीं समझी, मैं मानता हूं मैंने गलती की, मेरी इंटेंशंस गलत थी, मेरे मन में चोर था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने ये सब मजबूरी में किया, और मैं किसी को धोखा दे ही नहीं सकता, मैं जानता हूं। और तुम जो ये बार बार ऐसे नाराज होती हो ना, मुझे नहीं पसंद।
I'm also human. तुम strong हो इसका मतलब ये नहीं तुम किसी की भी कहीं भी insult कर दो. Problem मेरी ही life की है, तुम्हारी नहीं है. ये सीधे सीधे चलती ही नहीं. कुछ भी करो कुछ ना कुछ उल्टा होना जरूरी है. मैं बस तुमसे सॉरी कहने आया था और आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा. मैं पता है आज पापा शादी के लिए हॉल बुक करने गए हैं. उन्होंने कहा था एक बार आपसे बात कर ले. मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. सुनिए तो आप परेशान मत होइएगा, मैं ही आपको फोन करूँगा. अब तेरी शादी से पड़ोसी चल रहे हैं, देख दूँगा. भाई तेरा बंडल बहुत सॉलिड है, शादी का दहेज घर पहुँचा नहीं. भाई तेरा बंडल सॉलिड है, शादी का सामान घर पहुंचा नहीं. ओए तलाक का सामान दरवाजे पे खड़ा है. ये कौन है? सुमित के अंकल की बेटी, देख लेना. देख क्या था. हाय हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी, कम कम कम. तुम यहाँ कैसे? ये किससे शादी बनाया है? ये तो वही लड़की है क्या जो लड़की के साथ भाग गई थी करके? ये वही है, ये वापस आ गई है. वो क्या है ना, अगर आज ये नाराज हो गई तो जेडी दोबारा सदमे में चला जाएगा. तुम तो जानती हो उसकी हालत, अभी देखा कितना खुश था बेचारा. जेडी कितना अच्छा है ना, पर उसको लड़की मिली ऐसी जो लड़की के वास्ते उसको छोड़ दे. पर तुम चिंता मत करो, तुम आओ ना मैं तुम्हें छोड़ता हूँ. आओ आओ. जेडी प्रोसेस के चक्कर में शादी तो कर ली, लेकिन क्या ये करना ठीक होगा? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं. क्यों नहीं? देखिए मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ. तो फिर कैसे आदमी हो? हम गए. जो लिखा है वो तो होगा ही, और सब कुछ होगा, मिलना बिछड़ना रोना सब. दुबे जी तैयार हो जाइए, रोमांचक समय आ रहा है. खुदा शुक्रिया जो तूने दिया है पास मेरे, है जो है मेरा. दिल पे खुशी छाने लगी है, जन्नत बाहों में आने लगी है, आने लगी है जन्नत बाहों में. साथिया इश्क तेरा साथिया
सुर्खियां इन आंखों में तेरी सांसों से मत जाओ ना ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना चलता हूँ तुम कुछ भूल रहे हो क्या सर मैं कमिंग यस सर आपने मुझे बुलाया बैठो जेडी कंग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड ऑन योर वेडिंग थैंक यू सर हियर्स अ लिटिल समथिंग फॉर यू शैंपेन थैंक यू सो मच यू वेलकम और बता कैसा चल रहा है सब आपकी शादी को तो बहुत साल हो गए तो मैं सोच रहा था कि सर मैं पूछना चाहता था कि पति पत्नी के बीच झगड़ा कैसे होता है अरे हो गया ना नहीं नहीं सर आई एम हैप्पीली मैरिड अरे ये हैप्पीली मैरिड मैरिड कुछ नहीं होता है यू आइदर हैप्पी और यू आर मैरिड यू कांट बी बोथ समझे अब बताओ बात क्या है सर झगड़ा ही तो नहीं हुआ हाँ झगड़ा नहीं हुआ देखो मैरिड लाइफ के कुछ एक पड़ाव होते हैं ठीक है वन ईयर एज थ्री ईयर एज सेवन ईयर एज शादी संभालते संभालते पति की हालत खराब हो जाती है और लगता है कि बस अब सब खत्म सात साल बाद सब ठीक हो जाता है नहीं आदत पड़ जाती है सर आपके साथ तो नहीं होता होगा ना क्यों भाई मैं भी तो एक बेचारा पति ही हूँ सर पर किस बात पे होगा अरे यार किसी भी बात पे हो जाता है हर बात पे हो जाता है बात बात पे हो जाता है कभी कभी तो बिना किसी बात के हो जाता है लड़ाई झगड़े के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती बस एक पत्नी की जरूरत होती है बस I'm so sorry, तुम सो रहे थे मैं लाइट ऑफ कर दूं नहीं नहीं पढ़ते पढ़ते आँख लगी उफ बहुत भूख लगी है खाने के लिए कुछ है मुझे लगा कि तुम बनाओगी हेलो मिस्टर हस्बैंड जरूरी नहीं है कि बीवी हर काम करे तुम फ्री थे ना घर पे कुछ बना सकते थे ना मैं बनाता हूँ प्लीज थैंक यू अच्छा सुनो वो शैंपेन मेरे लिए लाए हो नहीं पड़ोसी के लिए न जाने वो न जानू मैं न जाने एक दूसरे को कैसे सहते हैं न माने वो न मानू मैं ये सारी बातें फिर भी हाँ क्यों भरते हैं सीधे जाते जाते उल्टे आके भटके ये फंडे हिट नहीं पर है जरा से हटके फिर मेरी जान फिर बढ़ेगा फासला फिर मिलेगा कोई नया picture everyone tells me I look like papa shayad hamari jawline similar hai na this is my favorite picture isme jo painting hai na papa ne banayi thi before I was born
miss him so much. He used to love me so much. How much do you love me? पहले तुम बताओ. मैंने पहले पूछा था, तुम बताओ. अच्छा, इतना सोचना पड़ेगा. टिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ. मेरे एक मिनट. हाँ सुमित, कहाँ है तू? तू तो मिस्टर इंडिया हो गया है. हैं? हफ्ते हो गए मिले हुए, है कहाँ बता तो. इस वीक मैं टिया के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीक प्लान बनाते हैं. ठीक है भाई, जैसा तेरे को ठीक लगे. क्या वो कहाँ है? भाई लौंडा निकल गया आज से. अरे हुआ क्या यार? टिया मैडम के साथ है. हम बर्ड सेंचुरी गए थे. इट वॉज सो फुल ऑफ बर्ड्स, डक्स, पेलिकन्स, एवरीथिंग. और ये ले भाई. क्या बात है. और क्या खाएगा? आवाज कर कर दी. सुधरेगा नहीं तू. अरे शर्मा गया. भाई साहब गुड़ी गुड़ी जल रहा है. नहीं तलाक तो अपने आप ही होना था. अब झगड़ा ही नहीं होता तो मैं क्या करूं? भाई पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्पेस देते हो. अबे अगर तुम दोनों कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर वो कैसे होगा? झगड़ा. पर शादी तो तलाक के लिए की थी ना. आराम से बोलिए. टिया सुन लेगी तो. बेटे बीवी और गर्लफ्रेंड तो आनी जानी है, आखिर में दोस्तों ने नया बार लगानी है. हाँ तो ठीक है ना यार, हस्बैंड वाइफ भी तो एक अच्छे दोस्त होते हैं. आ गए बाबा, आप भी आ गए. बाबा की सुन सुन के ही बड़े हुए हो. भाई एक बात बोलूं, तुझे ना प्यार हो गया. पागल है क्या? प्यार प्यार नहीं हुआ. ये तो मालूम ही है ना कि ये सब कुछ ज्यादा दिन रहने नहीं वाला. और वैसे भी एक बात मुझे पता है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता. बताया नहीं अभी तक. क्या टिकट कटवा लें क्या आज का? भैया कौन सा टिकट? अरे आने का टिकट और काय का टिकट. मामा जी वही बोल रहे हैं. कौन से मामा जी? भैया सरिता के मामा जी, सरिता के. भैया रुकिए, मैंने आपको कहा था ना कि मैं एक प्रोजेक्ट में लगाऊं. हाँ जो भी है लेकिन जल्दी करो. मैं कर रहा हूँ. आप प्लीज माँ को समझाइए, उनके लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ. आज का उपाय, किसी भी तरह की कोई भी बहस ना करें, टीवी के रिमोट को कतई ना छुएं. आपकी बीवी आपको काट भी सकती है. सिंपल, आत्मसमर्पण करें, प्रयास करें संपूर्ण समर्पण का. एक ही मंत्र, बीवी बड़ी मस्त है, बीवी हमेशा सही है. जो इस किताब में लिखा है तलाक के लिए मुझे उसका उल्टा ही करना होगा. क्या देख रही है ये? क्या हुआ? मेरा मतलब देख क्या रही हो तुम? फुटबॉल. टाइम्स अप. सावन के मौसम के बाद नर अक्सर ये क्रियाकलाप करते रहे. मादा पूंछ हिलाकर नर को रिझा रही है और नर मादा. Two of them, he could have had a hat trick. But for a penalty save from Stuart Taylor, the Martin O'Neill's men, the two. प्रजनन प्रक्रिया के लिए मादा पूर्ण रूप से तैयार. अरे बंद क्यों कर दिया? Dubey ji, I have something better to do.
क्या? Let's have coffee. मैं नहीं बनाऊंगा. शादी तो इसी शर्त पे हुई थी ना कि हमेशा कॉफी तुम बनाओगे. चलो ना बनाओ. मैं नहीं बनाऊंगा. I'll pay in kind. अरे प्लीज यार. कॉफी. थैंक यू. हेलो माँ. अब ना तू जल्दी से शादी कर ले. मैंने ना सरिता को भी बुलाया है. अब उसकी पसंद का सामान भी तो लेना होगा ना. मैं तो बस इतना चाहती हूँ बेटा कि मरने से पहले अपने पोते का मुंह देख लूँ. भाई टिया को मैसेज हो गया, जल्दी आ जाएगी. Are you sure तुम लोग ये पंगा करना चाहते हो? हाँ यार, अब दोस्त नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा है? जेडी से धो नहीं पा रहा. अबे तभी तो उसको वोडका की आइसक्रीम बना के पिलाई है. I just wanna kiss. No. Wow. क्या पर्स. अबे भाई यार मेरे लेवल की एक भी लड़की नहीं है. भाई हाँ तू शमा पे फोकस करेगा है? हाँ शमा पे रुकना है. कैंडी लगा हुआ ब्रेक दे दे भाई. भाभी आ गई भाभी आ गई भाभी आ गई. आप यहाँ ऐसे कैसे? मतलब हम तो ऐसे ही आ गए थे यहाँ पर बोल रहा था. लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. हाँ हाँ हा? लड़कियाँ सैंडी लाया था. हाँ हम तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ गए. मैंने कुछ बोला क्या? चिल गाइस, मैं तो बस देखने आई थी कि आप लोगों का टेस्ट कैसा है. जड़ियाँ हाँ वहाँ ऊपर. तुम जो मुझसे चाहती हो मैं वो नहीं करूँगा. वहाँ तुम्हें सीक्रेट बताऊँ? मेरे दोस्तों ने ना मुझे पिला दी है. ओए बाप रे, वो सेम टू सेम दिया. तुम्हें जानता हूँ तुम दिया नहीं हो. होली पे भी यही हुआ था. तुम जाओ गो. दिया गो हर्ट हो जाएगा तो मुझे भी हर्ट हो जाएगा ना. यू नो आई लव हर सो. बातें आ गई हैं बातें. तेरा बाउंड्री पार है. एक्सक्यूज मी. ओए कोई बुला रहा है. हाँ तो इस प्लान में डिनर इंक्लूड था या नहीं? मैं एक राबस फिश फ्राई लूंगी और एक चिल बियर. जी और कुछ? ये फोटो मून को सेंड करते हैं और उसको ये भी बुला लेते हैं है ना? भाभी मत तो करो ना प्लीज भाभी. और सैंडी यस ट्राई समथिंग इनोवेटिव नेक्स्ट टाइम. यस मैम. क्या पिक्चर डिलीट? हेलो. अच्छा सुनो ना दादा की एंगेजमेंट है कोलकाता में. माँ ने बुलाया है. चलो ना चलते हैं. लेकिन हमने तो हमारी शादी के बारे में बताया नहीं तुम्हारे घर वालों को. दैट यू डोंट वरी. अच्छा मैं एक बार बॉस से बात कर लूँ छुट्टी के बारे में. ओके और हाँ एक और बात. आई लव यू. हाँ मी टू. अरे कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, फिर से सो गया क्या? अच्छा सुन, वो दिया अपने मम्मी के यहाँ जाने को कह रही है, उसके भाई की सगाई. मैंने तो बोला कि बॉस से पूछ के बताता हूँ, अब बताना क्या करूँ? हाँ तो सही है ना यार, गाय जैसे सीधे साधे लोग हैं, वहाँ जाके कोई रहता फैला दियो. अपने आप तुझसे नफरत करने लगेंगे. हाँ यार ये आइडिया ठीक है, चला जाता हूँ.
উর্দু নাকি কি নাম বাংলা বুঝতে পারে দাদা কি আমার বন্ধু জ্যোতিরাদিত্য ডুবে 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 হ্যাঁ ডুবে গঙ্গা ডুবে না না যমুনা ভি ডুবে ডুবে দাদু কেসে হো আপ আমার মিষ্টি দিদি ভাই চল চল আরে দাদু ये मेरा फ्रेंड है ज्योतिरादित्य दुबे है? मेरे साथ गोवा में काम करते हैं उनको यहाँ का कल्चर अच्छा लगता है तो मेरे साथ आ गए खूब भालो करे जिसने खूब भालो कर केस्टो अरे था रहने दो जाओ इनके सामान ऊपर वाले कमरे में रख दो नमस्कार दादा आशुन बाबू जी बाबू हेलो जमाई जी पहुंच गए ससुराल हाँ यार लेकिन ये लोग तो बड़े बहुत बड़े लोग लगते हैं कोई राजा महाराजा टाइप मैं तो यहाँ तलाक के चक्कर में आया था कहीं ये मुझे ही सूली पे लटका दे जॉय माँ मागो सुगंधि धूप जिले आसन पीते मागो सुना बाबा मार दीचे हाकड़ 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 मेटा के भालो रखो ठाकुर बौमा বাবা সন্ধে দেওয়া হয়ে গেল বাহ দিদি ভাই কই লড়কা ফড়কা পছন্দ আয়া তো বলো এই সুযোগে তোমারই ভি শাদি করবা দুঙ্গা দাদু আপ সন্দেশ খাইয়ে করতা বাবু ফুলওয়ালা ডাকছে তুম খাও মে জরা সব অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখ কে আতা হুম খারে চুলগুলোর কি অবস্থা করেছিস হ্যাঁ ফ্যাশন মা ফ্যাশন क्या हुआ सॉरी दादाजी वो बॉटल टूट गई दारू की बॉटल थी एक्चुअली बहुत मन कर रहा था तो इसलिए मैं ले आया हमारे यहाँ पीने का रिवाज है बोलो तड़ातड़ी एखाने एसो एक बार लिसन यंग मैन I want to tell you something. When I was young, 19 years, I went to Berlin for studies. पढ़ने गया था. उधर एक लड़की, बहुत खूबसूरत सी लड़की, इलीना. She started admiring me a lot, you know. Though by that time I was already married. But still, something in the... was there. Khair, chodo. So Elena gifted me a bottle of finest scotch, you know. But till today, I have taken only two pegs from that bottle. Ab, tumhe ek mauka dunga main. I want to give you a treat from that bottle. बट सर इतनी पुरानी शराब खराब हो गई होगी ना आई लाइक दैट आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर आई लाइक दैट बात यह है कि दादा क्यों बोलो क्या चल रहा है शरम मरम कोई बात ही नहीं कुछ
ये मेहमान का खातिरदारी कैसे किया जाता है मालूम नहीं तुम्हें? देखो कैसा घटिया किस्म का दारू पीने जाने वाला था ये, बच गया। सुनो, मेरा वो जो पुराना बॉटल जो है वो निकालो, ढक्कन खोलो और इसको पिलाओ। मैं नहीं पीता। पीना पड़ेगा, पियो पियो पियो। तीन पैक तो दुश्मनों के साथ पीते हैं, चौथा पैक हमारे परदादा राजा सुरजन नारायण उनके उनके नाम पे। अरे थोड़ा थोड़ा पियो पियो पियो। मच्छी का मच्छी बहुत अच्छा है। अरे एक मच्छी, एक भी नहीं है मच्छी। नमस्कार। बड़ो मेजवा टिया दीदी रोई दोस्त को बुला के लाओ। आपका और आपकी खानदानी इस तलवार का अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं हमेशा की तरह फिर से जीत जाऊंगा। अरे बहुत अच्छी जगह है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत बढ़िया लोग हैं। हाँ आप जाइए, मैं पी लूंगा जी। अरे सुन तो ले, अरे सुन ना। हेलो जेडी, जेडी हेलो। अरे यार फंसा हूँ, बात भी नहीं कर सकता किसी से। जेडी बाबू देखो सब बहुत ही इज्जतदार मंत्री जी आए हैं, मोंटुकान मजुमदार जी, दादाजी ने बुलाया है आपको। ठीक है आप जाइए, मैं आता हूँ। अरे अब कौन सा दादा आ गया यार? कोई बहुत ही इज्जतदार मंत्री आए हैं। अच्छा अभी तो बेइज्जती कर रहा है उसकी, है तलाक के लिए मस्त आइडिया देता हूं तुझे। बस करो यार, तुम दोनों के सारे आइडियाज फेल हो गए, अब मुझे कुछ करना होगा। और उम्मीद पे तो आओ आओ आओ, इनसे मिलो। ये है मोंटुकान तो मजुमदार, इस इलाके का एमपी, बहुत बड़ा नेता। काका बाबू, मेरे सेवा में अगर कोई कमी रह गई तो बताइए। दादाजी आपने आज तक किया क्या है? पिछले 10 साल से आप इस इलाके में एमपी रहे हैं, तो इस इलाके में कूड़ा क्यों है? यहाँ इतने सारे गड्ढे क्यों हैं? आपने अस्पताल का पैसा खाया, आपने स्कूल का पैसा खाया, यहाँ तक कि शौचालय तक का पैसा खाया। शर्म आनी चाहिए आपको। रुक जाओ, और आप कहते हैं कि कमी कहाँ है? कमी आपकी नीयत में है, और आप उन्हीं हाथों से इस तलवार को छूकर इंसल्ट कर रहे हैं। आप जानते भी हैं ये तलवार क्या है? ये तलवार जो अमूल्य मणिमाणिक्य से सुसज्जित 18.25 किलो की तलवार, ये तलवार वो तलवार है जिसे लॉर्ड क्लाइव की सेनाओं को पलासी के युद्ध में आधा कर दिया था। ये तलवार वो तलवार है जिसने रानी फूलमती को 2 बार कुख्यात डाकुओं के हमले से बचाया था। सही में? ये तलवार वो तलवार है जिसने मैनिट शेरों के सर को धड़ से अलग कर दिया था एक झटके में। ये तलवार वो तलवार है। ये तलवार वही तलवार है। इस हवेली के नीचे और इस तलवार के सामने मेरी इतनी बेइज्जती इसके पहले कभी नहीं हुआ। मैं चलता हूँ, नमस्कार। এই প্রথম দেখলাম ভারতবর্ষে এক নির্ভীক বাংলার বাঘ, যার ললাটে সূর্যের রোষ, যার মুখে খনার বাণী, যার হাতে সততার ধ্বজা, বাংলার বাইরে থেকে আসা এক এক নির্ভীক সুপুরুষ বীর। इधर आओ। अरे तुमने तो उसका बैंड बजा दिया, खूब भालो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आई लाइक दैट। तुम्हारा खानदान तो बहुत दमदार होगा। मेरी टिया दीदी के लिए मुझे तुम जैसा ही दामाद चाहिए। आशीर्वाद लो, ले ले। आओ बैठो। हमारे यहाँ शादी में ऐसा ही धूमधाम होता है। ए, तुम टिया को देख रहा है ना? कितना सुंदर है ना, शादी का बात करूं?
काका बाबू डाक चुन। ओ, एक मिनट मैं आया। দাঁড়াও এখানে। সব জিতি হ্যাঁ, টিয়া ভি জিতি হ্যাঁ, বিলকুল আপনি বাবা পর গই হ্যাঁ। উসকে বাবা ভি ছোটি সি বাত পর ঘর ছোড়কর চলে গয়ে থে, অর টিয়া কো ভি সাথ মে লেকর গয়ে। মেরে পাস কবি রহি নেই, সম্ভাল কর রখনা উসে। পরিবার মে রহি নেই না, ইসলিয়ে উসে প্যার নেই মিলা। ভাল লাগছে, टिया के बाबा का है, संभाल लेना उसे। मैं आपको माँ हूं। क्या बात है दुबे जी? तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है? बस बस हाँ, इससे ज्यादा हुआ तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो, I have to go now. I'll see you. अच्छा। I'll see you soon. हाँ भाई जवाई राजा, कैसा रहा ट्रिप? कब आया तू वापस? मुझे मालूम था सब कुछ फिट होना ही होना। दादाजी के ढंग से बजाई नहीं बजाई तूने, पर आइडिया तो अजूब था ना जवाई राजा। अरे तुम्हारी शादी हो रही है हु? तुम मुझसे अलग हो रहे हो हाँ, और ये सब ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। What do you think of yourself? कि तुम जो चाहो कर सकते हो, and me, you can just screw me over and leave whenever you want to. तुम्हारी माँ है ना, हाँ? तुम्हारी शादी हो रही है ना? Shut up. You involve my family in this? तुम्हें divorce चाहिए ना? I'll give you a divorce. चाहिए डिवोर्स? मतलब कॉम्पैटिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं। सेक्सुअल प्रॉब्लम? नहीं। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आई मीन पैसे का लेन देन जी? नहीं। फिर क्या रीजन है अंकल? हम म्यूचुअली अलग होना चाहते हैं।
आइए, जितना मैंने बोला था उतना ही बोलिएगा। जी अच्छा। चेक करवाए थे, देखो भाभी ये जो है ना नहीं मिल रहा, तो ये अंदर भी होगा ना। तो भाई सीरियस होने की क्या एक्टिंग कर रहा है? अरे एक्टर ही है। पार्टी पार्टी तो बनती है। मिल रहा है। Congratulations, guys. चाहते थे वो तो हो गया। सही है ना भाई, यही तो प्रोसेस था। तू खुश? जो करना था तुम लोगों ने वो तो कर लिया ना। बॉस वी आर अ टीम। हाँ पाचर क्या दे रहा है? तू भी तो था, हमारा साथ दे रहा था। वो इसलिए कर रहा था कि जब इसे प्यार होगा तो ये उसकी वैल्यू समझ पाएगा। हाँ तो वही तो हुआ जो किस्मत में था। कब तक हर बात को किस्मत पर डालता रहेगा तू? अपनी माँ को बचाने के चक्कर में तेरे लिए किसी और की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। इसी अंधविश्वास में इमोशनलेस हो गया तू। तेरा प्रॉब्लम क्या है और तू किस इमोशन की बात कर रहा? तू जो हर रोज एक नई लड़की पटाता है, मेरा तो डिवोर्स हो रहा है। तेरे लिए अगर कोई लड़की मर भी जाए ना तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओए 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 जेडी सैंडी 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 छोड़ ना, छोड़ यार सैंडी, छोड़ ना सैंडी, छोड़ छोड़ सैंडी, छोड़ यार सैंडी सैंडी सैंडी, अरे सैंडी छोड़ ना इसे यार, छोड़ यार, क्या कर रहे हो सैंडी, क्या कर रहा है यार, छोड़। कुछ रास्ते मंजिलों को छूके मोड़ जाते हैं, कुछ नाते जुड़ते जुड़ते ही टूट जाते हैं। हैरानी होती है आंखें जो रोती है, हैरानी होती है आंखें जो रोती है। इस शहर में हम सफर है छोटा, दिल जिगर भी खुद से क्यों है रूठा, मेरे प्यार के महल का हर एक कांच टूटा। सच्चा तेरा खुदा तो क्या प्यार मेरा झूठा, क्यों मिटाते मिटते नहीं है ये पल, क्यों आज में कैद है मेरा कल।
Manit. तू साला फोन, तुम दोनों ने ना मिलके मेरी साला बुत लगा दी लाइफ की. मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है ना वो तुम दोनों की वजह से हो रहा है. चेडी बस कर यार, बच गए. क्या हो गया भाई? दिल की सुन रहा हूँ, चुप रहे बोल यार. क्या हुआ भाई? माँ की याद आ गई? अब ये नया कंफ्यूजन, माँ की सोचूं या मैं दिल की सोचूं? दिल की माँ की आँख, मैं माँ की सोचूंगा. मेरी माँ है वो जो ये प्रोसेस है वो होने दो. ये होना ही था ना, है? मैं नहीं मिलने जाऊंगा उससे, माफी नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगा. कभी दिल की भी सोचनी चाहिए, है ना? तड़पाती है तेरी बातें और यादें तेरी रुलाती है. दिल रोते रोते रुकता है तो रूह बिखर सी जाती है. तड़पाती है तेरी बातें और यादें तेरी रुलाती है. दिल रोते रोते रुकता है तो रूह बिखर सी जाती है. अब किससे रूठे और किसे हम अब मनाए, बैठे उन यादों को मन ही मन में दोहराए. हैरानी आंखें जो रोती है, हैरानी होती है. आंखें जो रोती है, एंट्री करा के साइन करा लो. जी सर. टेक केयर. आप दोनों यहां साइन कर दीजिए.
Will you marry me? Will you marry me again? कुछ पल है यादों के, हंसी सौगात ही सही, नम हो जाए आंकर, नई शुरुआत ही सही. I know everything. तुम्हारी पहली शादी में डिवोर्स था, वो हो गया. हमारी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं था ना. Can you give us another chance? मैं कभी तुमसे कॉफी बनाने के लिए नहीं कहूंगी. जी, मैं सोच रही थी हमें भी शादी करा लेनी चाहिए. क्या बात है, हमारे थॉट की वेवलेंथ कितनी मिलती जुलती है. मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था. मंडप भी तैयार है, चलें. हम ऐसी शादी सुनना कराएंगे तो हम तो बड़ी लैविश वाली शादी कराएंगे. 1,000-2,000 गेस्ट, स्विट्जरलैंड में हनीमून, हाय कितना मजा आएगा. भैया एक तीखे वाला. सभी लड़की का ड्रीम होता है ना कि उसका पति घोड़े पे आए. अरे विभा, सैंडी की गर्लफ्रेंड, एक्सीडेंट हुआ था, 3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है. ये एक आश्रम में रहती है. सैंडी रोज 10 से 6 विभा के साथ टाइम बिताता है और अपनी लिखी हुई हर लाइन उसको सुनाता है. इन दोनों को देख के आई रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ लव. और इस प्लान को मैंने और सैंडी ने बनाया. फोन मैंने ही जीप में रखा था. वी आर टुगेदर बिकॉज ऑफ देम. अब तो कोई इमोशनल ड्रामा मत करना प्लीज. पगले, तेरी शादी है आज. म्यूजिक म्यूजिक कहाँ है? अरे म्यूजिक म्यूजिक बजाओ यार. शनिचर की रात मेरी दारू के नाम थी, थोड़ी देर पहले ही ढोल हो गया. शनिचर की रात मेरी दारू के नाम थी, थोड़ी देर पहले ही झोल हो गया. मेरे जिस यार की गाड़ी में था जाना मुझे, उसका खत्म पेट्रोल हो गया. गाड़ी नू धक्का ला दो, कोई डिस्को बिच पचा दो. गाड़ी नू धक्का ला दो, कोई डिस्को बिच पचा दो. मेरा फिर मतलब बिच रोल हो गया. कलोलू गया, कलोलू गया, कलोलू गया,
कभी सोचा ना था राजा तेरा बच्चा आएगा बाजा, कभी सोचा ना था राजा तेरा बच्चा आएगा बाजा, तेरी हेलो हेलो पूरा लोन हो गया, 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 लोन हो गया। अच्छा है और अच्छा हो सकता है, बजाओ।